नागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। चैती मंदिर पहुँचा माँ बाल सुंदरी का डोला, दर्शन को उमड़ा हुजूम। टनकपुर पूर्णागिरी राजमार्ग पर मैक्स ने स्कूटी पर मारी टक्कर, दो की मौत कई घायल। धारचूला के तटबंध कार्य में अनियमितता का आरोप। पाजपुर में दिन दहाड़े लाखों की लूट। देहरादून में दो दिन और झुलसाएगी गर्मी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ GMS रोड स्थित एक होटल में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन गतिविधियों पर आधारित वीडियो एवं थीम तथा चार धाम पैदल मार्ग के सर्वेक्षण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन भी किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओ, अरे पोता किसका है? देवर्पण पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए, देवर्पण चिप्स टैंगी टोमेटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवर्पण चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर्स रेस में पार्टनर? दो। देवर्पण क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। चैती मेला प्रांगण में इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए निशुल्क मेडिकल कैंप का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप, मुखिया पंडा विकास अग्निहोत्री, डॉक्टर JP वशिष्ठ, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, डॉक्टर जफर सैफी आदि मौजूद थे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इस समय राज्य का तापमान सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा है और कुछ दिन बाद तापमान में और भी इजाफा हो सकता है, जिससे मैदानी क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री को पार कर जाएगा। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हाँ देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें तो देख ही रहे हैं जो तापमान है लगातार बढ़े हैं, और जो हमारा मार्च महीना गया उसमें जो तापमान मिड मार्च के बाद जो है 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक जो है ये ऊपर रहे सामान्य से, और ऐसा 2004 में पहले थोड़ा देखा गया था कि इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उसके भी मतलब उससे भी थोड़े ही ज़्यादा ही है। उसमें भी 4 से 6 तक के थे, लेकिन यहाँ तो 7-8 डिग्री तक भी बीच बीच में रहे। और इधर अप्रैल में भी देखें तो जो सिचुएशन है मार्च से मिड मार्च से लेकर अभी अप्रैल तक की आज की डेट तक की बात करें तो ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जो लगातार इस तरह से तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं 6-7 डिग्री तक के जो है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कंसर्न वाली बात है। और इसकी वजह से जो वनाग्नि है चाहे आगजनी की घटना है वो भी बिल्कुल आप देखेंगे कि और ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसमें तापमान में कल से अगर मैं बात करूँ 9 तारीख से और लेके 12 तारीख तक में, तो अभी 2-3 डिग्री का और इसमें बढ़ोतरी होगी, तो 2 डिग्री और बढ़ोतरी अगर मिल जाती है 10-11-12 तक में ये जो है 2 से 3 की, तो आप देखेंगे जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उसमें करीब तापमान 38 से लेकर 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे। और इसी तरह अगर पहाड़ों में बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें कि नैनीताल मसूरी है या चाहे आपका जो है टेहरी पौड़ी या उधर आप मुक्तेश्वर की बात करें, तो इनमें भी आप देखेंगे जो तापमान है वो 28 से लेकर 30 डिग्री के आसपास जो वो पहुँच जाएंगे। रुद्रपुर में आज अटरिया मेले का शुभारंभ हो गया है। रामपुरा से गाजे बाजे के साथ माँ अटरिया देवी का डोला अटरिया मंदिर पहुंचा, जहां विधिवत रूप से माँ अटरिया देवी की स्थापना की गई। इस दौरान SSP मंजुनाथ TC ने मेले में सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण होने की जानकारी दी। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। आपको बताना चाहता हूँ सन 2002 से जो अरविंद शर्मा है माता जी से बड़ा पूरे परिवार का पारिवारिक संबंध है, और मैं हर बार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ये ऐतिहासिक और पारंपरिक हमारा अटरिया मेला है जो रुद्रपुर की एक शान कहलाता है, तो बहुत ही पुराना मेला है, कम से कम 400-500 साल पुराना मेला है। इस बार भी उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया है, महिला PSC, पुरुष PSC और थाने के विभिन्न थानों से फोर्स हो गया, 3 SOs, SHO, 1 CO के नेतृत्व में, CO पंथनगर इसका ओवरऑल सुरक्षा प्रभारी है। इस तरह से मेले के बाहर भी मंदिर परिसर के अंदर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया है। अटरिया माता की जय। ये अटरिया माता का मेला इतने धूमधाम से आज डोला आया है, 2 साल पिछले नहीं हुआ ना कोरोना के, उसमें जब कोरोना चला तो मेला बंद हो गया, अब कोरोना का चक्कर ख़त्म हो गया है भाई, और मेला बड़े धूमधाम से आया है। आज 9 अप्रैल है
ऐसा डोला कभी नहीं देखा जैसे इस बार डोला आया है, और सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम से झांकियां निकाली हैं। माता जी, माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। क्या मान्यता है मंदिर की और कहाँ कहाँ से? अटरिया माता की बहुत बड़ी मान्यता है। दो साल से पब्लिक को, ये पब्लिक का लोकल मेला है, दो साल से पब्लिक को कहाँ गए हम मेला देखने को नहीं मिला, पब्लिक जो है बिल्कुल उतारू है मेला देखने को। इस बार मेले में माता के डोले में इतनी भीड़ देखी है कि मैंने शायद अब तक नहीं देखी है, और बहुत दूर दूर से दुकानें आई हैं, जो यूपी से, मतलब मुरादाबाद से, कानपुर से, शाहजहाँपुर से, अमेठी से, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो तीन साल का मेला जो रह गया है वो इकट्ठा इस बार होगा। प्रसिद्ध मीडिया हाउस एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा द संस्कार स्कूल काशीपुर को इनोवेशन इन एकेडमिक कैटेगरीज के तहत उत्तराखंड के बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल 2021-22 अवार्ड से नवाजा गया। आज दिल्ली में उक्त अवार्ड स्कूल के प्रबंधक राहुल अग्रवाल को दिया गया। इस उपलब्धि पर द संस्कार स्कूल काशीपुर की प्रधानाचार्य दीपिका अग्रवाल व अन्य स्टाफ ने खुशी जाहिर कर बधाई दी। खटीमा वन रेंज में आज भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए पक्के अतिक्रमण से कब्जा वापस लिया और उन्हें पुनः अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। धारचूला में प्रतिवर्ष बाढ़ से सीमांत क्षेत्र की नदियों द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति और जनहानि होती आ रही है। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा मरीन ड्राइव की तर्ज में धारचूला में 72 करोड़ का कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य में नदी तट से घटिया व निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग होने से क्षेत्रीय लोगों में असंतोष व्याप्त है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार को विभाग द्वारा संरक्षण प्राप्त है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत जो तटबंध का कार्य निर्माण किया जा रहा है, उस संबंध में हम लोग कल एक व्यापार मंडल के डेलीगेशन सिंचाई विभाग के अधिकारी से भेंट करने गए थे। उसी दौरान हम लोगों ने नीचे जाकर उसमें देखा तो मिट्टी मिला हुआ रेता उसमें पड़ रहा था। हम लोगों ने उसका विरोध किया और व्यापार मंडल के लेटर पैड में हम लोगों ने एक अप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को भी प्रेषित किया है। ककराली गेट के समीप पूर्णागिरी मार्ग पर मैक्स ने सड़क के किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित मैक्स के पलटने से उसमें सवार 10 श्रद्धालु घायल हो गए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। चैती मेले में सुबह से ही बाल सुंदरी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। ऐसे में ई रिक्शा व ऑटो चालक ओवरलोडिंग करके श्रद्धालुओं को चैती परिसर तक ले जाते नजर आए। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि प्रशासन सतर्कता से कार्य कर रही है और ओवरलोडेड वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने डाइवर्जन पॉइंट चिन्हित किए हैं, जैसे चैती चौक हो गया या कुंडेश्वरी तिराहा है, तो वहीं से हम भारी वाहनों को वहीं रोक दे रहे हैं और मैक्सिमम जो ओवरलोड गाड़ियाँ हैं या जो ट्रैक्टर आएंगे उनको वहाँ पर ही कम कर देंगे और प्रयास करेंगे कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और इसके लिए हम लोगों ने फ्लैक्सी भी बनवाई हैं, फ्लैक्स लगवाई हुई हैं, चेतावनी वाले बोर्ड भी लगवाए हैं। लगातार पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी ताकि जो बैटरी रिक्शा हैं या कोई भी वाहन है वो अधिक संख्या में भर कर ना आए, क्योंकि इससे पूर्व में भी ट्रैक्टर ट्रॉली से दुर्घटनाएँ हुई हैं। तो इसके लेकर भी हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए लगातार जैसे ग्राम प्रधानों से भी बात की है। तो अभी जो भी लोग जो श्रद्धालु आएंगे चैती मेले में, तो अब इस अपील के माध्यम से भी मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बहुत एक ही वाहन में अधिक संख्या में ना बैठे, क्योंकि इससे दुर्घटना घटित हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकती है। लालकुआ में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में विशालकाय चिमनी टीन शेड में गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई, लेकिन टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टिन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टिन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टिन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। जांच में सारी चीज़ें जांच के में इंक्लूड की जाएंगी। जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे किस तरह की लापरवाही या किस तरह की कोई चीजें आएंगी। स्थानीय प्रशासन ने किच्छा में लाखों रुपए की कीमत की तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए भवन को ध्वस्त करते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया है। प्रशासन के अनुसार दरऊ ग्राम में ग्रामीण जसप्रीत सिंह ने सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी का भरान करते हुए खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे जो भी अतिक्रमण हुए हैं, जो सरकारी जमीनों पे, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, या किसी भी प्रकार की सरकारी ग्राम समाज की जमीन हो, उस पे अतिक्रमण की कार्रवाई, हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में आज दरऊ ग्राम में लगभग 1 एकड़ जमीन पे कब्जा लिया गया है, और साथ ही जो भी निर्माण था उसको अवैध रूप से उसको ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही अन्यत्र स्थानों पर भी इस प्रकार कार्रवाई चिन्हित की जा रही है, जहाँ पे भी अवैध रूप से, चाहे वो प्लॉटिंग के रूप में हो, चाहे वो निर्माण के रूप में हो, जहाँ कहीं भी सरकारी परिसंपत्तियों पर इस प्रकार का कब्जा किया गया, उसको निश्चित तौर से मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। चैत्र मास की अष्टमी पर हल्द्वानी के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता महागौरी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज इस बासंती नवरात्र में, नए वर्ष में जो नवरात्रि है, आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में जो है महागौरी का पूजन होता है। आज रात्रि में निशा पूजन होकर के शक्ति की उपासना की जाती है। ऐसा होता है जैसे फर्स्ट दिन से हम शुरू करके आते रहते हैं, तो आज के दिन ये होता है महागौरी में, जैसे पूजा सामग्री मतलब हम चाहे पंडित से कराएं, अपने हाथ से कराएं, घर में पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके बाद माँ को मतलब भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ावा श्रृंगार, मतलब पूरा माँ का जो श्रृंगार होता है श्रृंगार चढ़ता है, और उसके बाद भोग लगता है और कन्याओं की पूजा होती है। और निश दिन मतलब हम लोग यहाँ मंदिर से ऐसे भी जुड़े ही हुए हैं, हमारा तो नज़दीक का मंदिर है जी। हमेशा का हमें तो यह है कि श्रद्धा भक्ति मतलब जो भी है, हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन बिना माँ के दर्शन के हमें कभी ऐसा चैन नहीं पड़ता कि चाहे पंडित जी हैं हम हैं। बाजपुर वार्ड नंबर 7 संजय कॉलोनी में होलसेल की दुकान पर लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 3 दबंगों ने सामान लेने के बहाने दुकान में बैठी महिला टिकम गोयल को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और दुकान में से करीब 2 लाख रुपए की नकदी रकम को लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। 3 लोग आए थे तो आके कुछ सामान मांगने लग गए। मैं उनको सामान देने लगी तो थोड़ा सा लिया, उन्होंने कुछ लेके रख दिया। इधर उधर ताका झांकी करी, भैया के लिए पूछने लगे कि है कि नहीं शॉप पे। मैंने कहा कि नहीं है, तो बस इन्होंने फिर मेरे हाथ पर पकड़ने लग गए। और फिर मैंने खूब शोर मचाया तो इधर को दुकान में अंदर आ गए, भाग के फिर गले में से पैसे निकाल के ले गए। आज ये बाजपुर क्षेत्र में संजय कॉलोनी पड़ती है, तो इसमें लगभग 2 बजे की घटना है। तो इसमें एक दुकान है जो गोयल लोगों की है, और उसमें 3 लड़के आते हैं सामान खरीदने के बहाने, और वहाँ पर वो अकेले जो है लेडी हैं, तो उनको देखकर सामान खरीदने के लिए बोलते हैं और फिर उनसे जो है अंदर जो है उनको सामान के बहाने उलझाते हैं, फिर उनसे जो है धक्का मुक्की करते हैं, और फिर उसमें से बाहर निकलते हुए एक लड़का जो है गले से कुछ पैसे ले जाता है, जैसे कुछ बिखर भी जाते हैं, और वो लेके भाग जाते हैं। फिर वो नीचे बाहर आते हैं तो उसमें इस जो उनका बाइक है, बाइक में तीनों बैठकर भाग जाते हैं। इसमें जो है FIR आ गई, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। इसमें लगातार हम लोग इसमें हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें ये लोग कौन थे, कहां से आए हैं, और जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, तो इसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। अल्मोड़ा स्थित प्राचीन माँ नंदा देवी मंदिर में अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर के पुजारी तारा चंद्र जोशी ने बताया कि अंग्रेज कमिश्नर GN ट्रेल ने 1816 में मल्ला महल स्थित रामशिला मंदिर से मां नंदा देवी के विग्रह को इस मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। संवाददाता हेमंत सिंह बेहरा की रिपोर्ट।
नंदा सुनंदा का मंदिर प्राचीन है। 1816 में ये स्थापित हुआ। ये नगर के मध्य में बसा हुआ है। ये पहले ये मल्ला महल में हुआ करता था। उसके बाद 1760 ईस्वी में उद्धवचंद देसर राजा ने यहाँ पे स्थापित किया। तब से यहाँ चंद्रवंशी राजा यहाँ आके कुल देवी के रूप में इसको पूजा करते हैं। अभी भी यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल पक्ष को यहाँ बहुत भव्य मेला लगता है। ये माँ नंदा देवी का साक्षात प्रांगण है। यहाँ पर माँ नंदा सुनंदा साक्षात रूप में विराजमान रहती हैं और सारे अल्मोड़ा के रूप में छत्र छाया उन्हीं की रहती है। यहाँ पर स्थानीय लोग और बाहर से सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर के दर्शन पाते हैं और सभी की मनोकामनाएँ माँ पूरा करती हैं। जय माँ नंदा। लोहाघाट पीजी कॉलेज के एनसीसी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश शक्ता के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नगर में जागरूकता रैली निकाली। रैली को प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह पेश की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और तमाम बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि हम पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हम अपनी योगदान दे सकें। आज हम 80 UKBN NCC यूनिट GPGC लोहाघाट के कैडेट्स इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। यह रैली GPGC लोहाघाट से होते हुए गांधी चौक तक और आगे SDM कोर्ट तक जाएगी, जिसका उद्देश्य लोगों में पॉलीथीन के प्रयोग को कम करना और समाज में प्रदूषण के स्तर को जो बहुत अधिक बढ़ गया है उसको कम करने के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने NHAI PMGSY लोनावी एवं NH के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस काठगोदाम में निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों के बारे में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स, चाहे वो PWD की हों, चाहे उसको NH बना रहा हो या फिर PMGSY की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शन हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और इसको तभी हो सकती है जब साइट पर कैमरे लगे हुए, तो उन सब जगहों पर ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएँ और ख़ुद भी उसको देखते रहें। और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है, तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा अभी तो मैं ब्रिजेस का कर रहा था, उसके अलावा यहाँ पे CCF भी, आप साथ भी आए हुए हैं फॉरेस्ट की ओर से, तो जो फॉरेस्ट में हमारे प्रकरण ऐसे हैं जो कहीं पे जिनमें तेज़ी लानी या लंबित है, उनको भी हम तेज़ करवा रहे हैं। ब्रिजेस पे हमारा विशेष फोकस है, और एंड में जो रोड्स पहले से बनी हुई हैं उनके जो मेंटेनेंस होने हैं, उनके जो टेंडर्स हो चुके हैं उसकी प्रोग्रेस पे समीक्षा। अल्मोड़ा में बालिका सुरक्षा के तहत समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बड़ेछीना में ताइक्वांडो प्रशिक्षक कनिष्का भंडारी द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शिक्षा में महर्षि कश्यप जी की जयंती हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण कश्यप समाज का विकास न होने की बात कही। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कि आज किच्छा में ग्रैंड हेरिटेज में हमने महर्षि कश्यप ऋषि जी की जयंती का आयोजन किया गया है। इसमें सभी लोगों ने, हमारे कश्यप परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं से मैंने एक यही आह्वान किया है, महिलाओं से क्या, मैं अपने कश्यप समाज से यही आह्वान किया है कि सभी लोग एकत्रित हुई अपनी एक एकता बनाइए, यूनिटी बनाइए, तभी हम कब कुछ कर पाएंगे। समाज से, सरकार से अगर लेने में हम अगर कुछ सक्षम होते हैं तो हमें अपनी एक ताकत दिखानी पड़ेगी, एक छत के नीचे आना पड़ेगा। यूनिटी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कश्यप समाज एकजुट हो, साक्षर हमारा हो, लोग देखें कि क्या है कश्यप समाज भी, और बच्चियों के लिए कि शिक्षा की व्यवस्था हमारी ज़्यादा हो। कश्यप समाज अति पिछड़ा समाज है, इसको बस किसी तरह से भी हमें ऊपर उठा के लाना है, यही हमारा एक संकल्प है। और इसी के लिए हमने आज ये कश्यप जयंती का आयोजन किया था, जिसमें हमारे विभिन्न जगहों से काफ़ी कश्यप लोग एकत्रित हुए और एक समाज को संदेश दिया जाए कि बेटी और बच्चों, जो भी बेटे हैं बेटियां हैं, उनकी शिक्षा पे जरूर ध्यान दें कि आगे चल के वो इस समाज को आगे पहुंचाएं। अल्मोड़ा वीणा महादेव मंदिर सराघाट के प्रांगण में नवनिर्मित शनि मंदिर में
प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया। मंदिर समिति के सचिव मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि कल अखंड रामायण का पाठ होगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट बाराकोट के GDIC काकर में CEO अशोक कुमार ने बाल विकास व पुलिस विभाग द्वारा छात्राओं के लिए चलाए जा रहे निशुल्क कराटे प्रशिक्षण का समापन किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पहल की गई थी कि महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का ज्ञान हो सके ताकि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बचा सके। उस उद्देश्य से जो 10 दिन का ट्रेनिंग शुरू किया गया था, इसमें 10 दिन बाद जो हम अंतर देख रहे हैं बालिकाओं में वो अभूतपूर्व है। बालिकाओं के अंदर बहुत ही आत्मविश्वास है और हम चाहेंगे कि बालिकाएं इसे अपने दैनिक जीवन में इसे अभिप्रेत करें और औरों के लिए भी मोटिवेशन का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी राज न्यूज चैनल। धन्यवाद।